नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। आपको सीधे लेकर चलते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ, जो कुछ कह रहे हैं जरा आप सुनिए। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साइंस टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री जी, माननीय खाद्य रसद के राज्य मंत्री जी, अध्यक्ष रिमोट सेंसिंग, इस हॉल में उपस्थित भाइयों बहनों, आज सम्मानित होने वाले वैज्ञानिकगण, छात्रों, यहां आए मीडिया के भाइयों, मैं आप सबका यहां स्वागत करता हूं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां आकर हम सबको गौरवान्वित किया है और वैज्ञानिक सम्मान समारोह के आयोजन के अवसर पर मैं पूरे विभाग की तरफ से, पूरे वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, मैं स्वागत करूंगा श्री मोहसिन रजा जी का, श्री सुधाकर त्रिपाठी जी का, श्री गर्ग साहब का और प्रदेश के उन वैज्ञानिकों का जिन्हें आज यह सम्मान मिल रहा है, उन छात्रों का जिन्हें यह सम्मान आज मिल रहा है। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि यह सम्मान 14-15 वर्ष और 15-16 के लिए दिया जा रहा है। वैज्ञानिक सम्मान हेतु देश के समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। तदुपरांत एक उच्च स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री जी हमारे हैं और वर्तमान स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा सभी पुरस्कारों का चयन किया जाता है। शीघ्र ही हम लोग अगले वर्ष 16-17 के भी चयन की घोषणा करेंगे। उसके पूर्व मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आज सम्मान मिलेगा उसमें विज्ञान गौरव सम्मान, विज्ञान रत्न सम्मान, युवा वैज्ञानिक सम्मान, बाल वैज्ञानिक